अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये 10 मरला घर है, 35x65 डायमेंशन है इसकी, सेक्टर सी, बैरियटाउन, लाहौर में। हाउस फॉर सेल है, डिमांड इस घर की 4 करोड़ है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, फुली टाइल्ड फिनिश्ड है विद रॉक वॉल। 40 फीट वाइड रोड पे सिचुएटेड घर है ये। इसका रोड व्यू है, फीट वाइड गैराज है इसका, दो गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं इसमें। राइट साइड पे इसकी बाउंड्री वॉल है विद ग्रीन बेल्ट। फ्रंट गेट इसका सीएनसी डिजाइन में दिया गया है। फ्रंट एलिवेशन व्यू, इसका गैराज एरिया, कंप्लीट गैराज व्यू, एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक डेकोरेटेड वॉल है विद प्लांटर्स, टाइल एंड आर्टिफिशियल ग्रास। लेफ्ट साइड पे इसका 5 फीट पैसेज दिया गया है एल शेप में, और बैक साइड पे इसका लॉन्ड्री एरिया। गैराज के सेंटर में एक निश दी गई है, मेन एंट्रेंस और ड्राइंग रूम की एंट्रेंस डोर, और एक्सट्रीम राइट पे एक सिटिंग एरिया। वॉल सीलिंग डिजाइन गैराज का, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। लॉबी एरिया, पार्टीशन डोर फॉर लिविंग एरिया, फॉल सीलिंग डिजाइन लॉबी का, लेफ्ट साइड पे इसकी स्टेयर, ग्रेनाइट फिनिश्ड और टाइल राइजर्स, और एसएस में इसकी स्टेयर केस है। स्टेयर्स के नीचे इसका पाउडर रूम दिया गया है। वैनिटी एरिया, बुकिंग मिरर एंड कमोड एरिया। लॉबी के राइट साइड पे इसके एक सीएनसी डिजाइन दिया गया। ये सर का लिविंग एरिया, लिविंग एरिया व्यू ग्राउंड फ्लोर, फॉल सीलिंग डिजाइन, शैंडलियर एंड फैंस इंक्लूडेड हैं इस घर में। सामने इसके एक फायरप्लेस दी गई है, और साथ ही इसके मीडिया वॉल है। राइट साइड पे इसकी पार्टीशन दी गई है ड्राइंग और लिविंग की, पार्टीशन डिजाइन, कटवर्क ग्लास विद सीएनसी वर्क, और राइट साइड पे इसकी एंट्रेंस है लॉबी एरिया की, और लॉबी के एरिया के साथ इसके किचन का डोर दिया गया है। स्लाइडिंग पार्टीशन किचन की, किचन एरिया ग्राउंड फ्लोर, माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन इसमें इंस्टॉल्ड है, हैंडमेड सिंक विद सिंगल शावर, बर्नर हुड इसमें दिया गया है, 5-way बर्नर है, हुड इसमें इंस्टॉल्ड है। इस किचन का फुल व्यू है, लिविंग एरिया में फोल्डेबल पार्टीशंस दी गई हैं। इसका ड्राइंग रूम है, मोटिव वॉल
विथ फायर प्लेस, मोटिव वॉल पे टाइल यूज़ की है, राइट और लेफ्ट पे इसके वॉल पेपर। इसके ड्राइंग रूम का डोर, फॉल सीलिंग डिज़ाइन, फ्लोर टाइल 2x4, लिविंग एरिया व्यू फ्रॉम ड्राइंग रूम, ग्राउंड फ्लोर पे इसके दो बेड दिए गए, फर्स्ट बेड ग्राउंड फ्लोर, ये इसकी बेड वॉल दी गई है, फॉल सीलिंग डिजाइन, फ्लोर टाइल, इन्वर्टेड वार्डरोब इस रूम की, हाई ग्लॉस यूवी यूज की है इसमें, सॉलिड येलो पाइन डोर्स हैं, अटैच बार, अपर काउंटर वैनिटी, शावर एरिया, शावर पैनल दिया गया इसमें, एंड कमोड एरिया, सेकेंड बेड ग्राउंड फ्लोर, इसकी बेड वॉल दी गई है, राइट साइड पे इसकी वार्डरोब है, इन्वर्टेड वार्डरोब है, फॉल सीलिंग डिजाइन, टच बार, अपर काउंटर वैनिटी, मिरर, जैकूज़ी, उसके साथ ही इसका शावर भी दिया गया है, कंसील्ड शावर है। जैकूज़ी के साथ ही वॉल हैंगिंग को मोड़ दिया गया, सॉलिड येलो पेंट डोर्स हैं, इसका डोर डिजाइन है, स्टेयर्स फॉर फर्स्ट फ्लोर, स्कर्टिंग में इसकी लाइट दी गई है, स्टेयर्स व्यू, लॉबी एरिया फर्स्ट फ्लोर, इसकी लॉबी का व्यू, लॉबी में इसके टेरेस का डोर भी दिया गया, टेरेस एरिया, लूअर्स, लॉबी से आप इसके लिविंग एरिया में एंटर होते हैं, लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर, सामने इसकी मीडिया वॉल है, फायरप्लेस, फॉल सीलिंग डिजाइन, शैंडलियर, लिविंग एरिया के साथ इसका किचन दिया गया, ओपन किचन है, सेम एसेसरीज इसमें इंस्टॉल्ड है, 3-way बर्नर है और हुड इसमें लगा हुआ है, हैंडमेड सिंक, सिंगल शॉवर, किचन का व्यू फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर पे इसके 3 बेड दिए गए हैं, फर्स्ट बेड फर्स्ट फ्लोर, ये इसकी बेड वॉल है, फॉल सीलिंग डिजाइन, इन्वर्टेड वार्डरोब इस रूम की, साथ ही इसके अटैच बाथ दिए गए, कोरियन वैनिटीज, लुकिंग मिरर, शावर एरिया एंड कमोड एरिया। सेकेंड बेड फर्स्ट फ्लोर, ये इस रूम की बेड वॉल है, फॉल सीलिंग डिजाइन, विंडो के साथ इसकी दो निश्ती की हैं,
इन्वर्टेड वाटर बेस रूम की। अटैच बाथ, अपर काउंटर वैनिटी, मिरर, बैक साइड में इसके जैकूज़ी है, इसके साथ ही शावर पैनल दिया गया है एंड कमोड एरिया। थर्ड बेड फर्स्ट फ्लोर, फॉल सीलिंग डिजाइन इस रूम का, इन्वर्टेड वार्डरोब इस रूम की भी, विंडो के साथ दो नशिस्तें की हैं, बैक साइड में इसका वॉलपेपर है। अटैच बाथ, अपर काउंटर वैनिटी, शावर एरिया, इसमें शावर पैनल दिया गया है एंड कमोड एरिया। स्टेयर्स फॉर रूफटॉप, रूफटॉप पे इसके सेवन रूम दिया गया है, 250 स्क्वायर फीट लैंड, उसके अंदर एक रूम दिया गया और एक बाथ है। अटैच हाउस फॉर सेल है, डिमांड इसका करके 4 करोड़ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और किसी भी टाइम आप घर को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।